विश्व में आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल में, जहां पर कांग्रेस के तीन नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और हजारों समर्थकों के साथ आज करनाल नेशनल हाईवे पर इकट्ठा है। कुछ ही देर पर करनाल की सड़कों पर उतरेंगी, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और तमाम नेता इस समय यहां पर मौजूद हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। युवा अधिकार यात्रा निकालेंगे, जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र में आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस की है तिगड़ी, यानी कि जो तीन नेता एक साथ हुए हैं, क्या आने वाले दिनों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो अपने आप में खुद सीएम के दावेदार हैं, कुमारी शैलजा जो खुद सीएम की दावेदार थी और किरण चौधरी जिनके समर्थक खुद उनको सीएम का दावेदार कहते थे, तीन तीन कांग्रेस के सीएम के दावेदार एकजुट हो चुके हैं। और आज आप देख सकते हैं करनाल के होटल विमान के नजदीक टेंट लगाकर हजारों समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, हजार जुटा पाने में कहीं ना कहीं युवा अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। कुमारी शैलजा, तीन बड़े दिग्गज नेता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। किरण चौधरी देखी जा सकती हैं, रणदीप सुरजेवाला देखे जा सकते हैं, कुमारी शैलजा देखी जा सकती है। लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं करनाल के कांग्रेसी नेता। हम लोग प्रार्थना करूंगा संसद प्रार्थना करूंगा शमशेर सिंह गोगी असन से विधायक, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस के तीन बड़े दिग्गज नेता ये कोई हैं और इनके हरियाणा से आज बड़ी संख्या में समर्थक करना डिसिप्लिन को इनकी पहचान करके यात्रा में एक भी कदम पीछे ना रहे, ये सबसे आगे रख रहे हैं, इनका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि स्टेज पे बहुत जोर लगाया है इन्होंने। आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आप सबका और खास करके जो असम हल्के से इतनी जनता आई है उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। और मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस चुनावी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी से कि और अपनी बात रखे आदरणीय गुप्ता जी। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता करनाल में इकट्ठा हुआ है और कांग्रेस के तीन बड़े नेता जो एक साथ हो चुके हैं, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा यहां पर मौजूद है। श्री रणदीप सुरजेवाला जी महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बहन किरण चौधरी जी और पूरे ये युद्ध शुरू किया है कल कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर हवन करवाएगी। आप चलाए लाखों लोग आपके पीछे हैं, जब आप अगला कार्यक्रम इस यात्रा में भी आज 10,000 साथी हमारे करनाल के और आसपास के जिलों के आए हैं जो आपके साथ यहाँ से प्रार्थना करूंगा दोनों सांसद चौधरी जी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष है और अपनी बात रखे उससे पहले धान जी का चौदह तारीख से स्वागत करें। अगले भाई श्रुति चौधरी चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर है, हमारे सीनियर नेता और पूर्व यूनियन मिनिस्टर शैलजा जी मंच पे विराजमान बहुत ही जुझारू नेता और हमारे सीनियर लीडर मेरे बड़े भाई रणदीप सुरजेवाला जी, रामकिशन जी यहाँ के बहुत ही जुझारू एमएलए साहब, भोगी जी मंच पे विराजमान, सभी एमएलए सम्मानित एमएलए, कांग्रेस के तीन बड़े नेता आज इस समय देख सकते हैं करनाल में मौजूद हैं और एक साथ अभी अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। युवा अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला देखे जा सकते हैं एक साथ एक ही मंच पर।
जो युवा वर्ग है वो सड़क पर निकलने के लिए विवश है, क्योंकि पूर्ण रूप से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा विश्वासघात युवा वर्ग के साथ किया है। आज जो छात्र चल रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं सरकार से, हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ आपके साथ खड़े। और युवा वर्ग, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जाग जाओ, आने वाला टाइम आप लोगों का है। और ये तमाम जो बीजेपी ने विश्वासघात है, किसान वर्ग हो चाहे छात्र हो, जिसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रामकिशन गुर्जर जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपनी बात रखे। आदरणीय रामकिशन जी, धन्यवाद मैम साहब। परम आदरणीय हमारी नेता, तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, करनाल में आज एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के तीन दिग्गज नेता एक साथ हो चुके हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय बान की कांग्रेस है, लेकिन हरियाणा में अब एक कांग्रेस का ये दूसरा रूप भी देखा जा सकता है, जिसमें सभी जो अलग चलते थे पूर्व, कि हरियाणा में बदलाव का फैसला ले लिया है हरियाणा की जनता। आज जो युवा अधिकार आपके और बहन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा मन बना लिया है, पूरा समर्थन है कांग्रेस पार्टी को। आने वाले समय में मैं आपसे प्रकाश जरूर करता हूं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हरियाणा के युवाओं को उनका रोजगार मिले जो ही अपनी जमीन जायदाद बेच दिया। और पूर्व में विपक्षी नेता रहे, पूर्व मंत्री गृहमंत्री के ऊपर कानून का स्वागत करें, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जो भी यहाँ है, श्वेता धूल जी, किशन सत्रोड जी और आनंद जी और सारे बच्चे जो कल चलकर कुरुक्षेत्र थे यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर आए हुए बहुत ही कर्मशाली, बहुत ही ओजस्वी सारे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो मेरे सामने खड़ी है, आप सबका स्वागत करते हैं। आज आप जानते हैं कि हम बच्चों के सहयोग में जो कुरुक्षेत्र से चलकर आ रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहा गया है, लेकिन असलियत के अंदर ये कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बनकर रह गया है। सरकार के विरुद्ध ये आवाज उठाने आज जो है 15-20 किलोमीटर चलेंगे। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि केवल यहां ही नहीं, जो असलियत के अंदर साथ देना चाहता है और जो कांग्रेस का कर्मठ कार्य करता है, वो आखिरी छोर तक हमारे साथ चलेगा। हाथ खड़े करके बताओ मुझे। और आप जानते हैं विधानसभा में ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को बहुत जोर शोर से मैं उठाऊंगी। हमारे बच्चों की आवाज जो है, जो ये भद्दा मजाक हमारे बच्चों के साथ करा जा रहा है, जो ये सरकार बार बार करती आ रही है, बेरोजगारी का जो आलम इतना जबरदस्त है, इसको जो है इसके विरुद्ध आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही साथ आपने आज आगाज करा है, समय आ गया है, हर चीज समय की पटरी पे चलता है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, कांग्रेस के तीन बड़े नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक साथ मंच पर हजारे समर्थकों के साथ करनाल में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगी। हाईवे पर है अभी विवान होटल के नजदीक, वहां से अभी पैदल प्रदर्शन करते हुए करनाल में पहुंचेंगे और करनाल के अम्बेडकर चौक पर वहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा।
पुलिस ने एहतियात के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, कहीं सीएम हाउस का घेराव कांग्रेसी नेता ना करें। एहतियात के मद्देनजर पुलिस भी वहां पर तैनात है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हैं, कुमारी शैलजा के समर्थक हैं और किरण चौधरी के समर्थक हैं, सिर्फ वही देखे जा सकते हैं। लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं कांग्रेस के नेता, सरदार त्रिलोचन सिंह की बात की जाए, सुमिता सिंह की बात की जाए, अन्य नेताओं की बात की जाए, उनमें से कोई भी नेता इस मंच पर मौजूद नहीं है, इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं है, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं और तेज होती हुई नजर आ रही है। घर में बैठने का समय नहीं, आज एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का समय नहीं। अब एकजुट होकर मुट्ठी बंद कर कर आगे निकल पड़ो। निकलोगे या नहीं निकलोगे? अरे भैया ये सामने वाले तो बिल्कुल ही लगता है। तीनों को भी बोलो इकट्ठे रहे। जब ये तीनों इकट्ठे रहेंगे हरियाणा में सरकार आएगी। तीनों इकट्ठे रहे। ये सारे हमारे वर्करों की मांग है, तीनों मिलकर चले हरियाणा में। तीनों तो मिले हुए हैं, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को भी कहो ना इकट्ठे हो जाएं। वो भी होंगे, जब इनकी ताकत वो देखेंगे वो भी इकट्ठे होंगे, तभी फायदा है। तभी हरियाणा में सरकार आएगी, एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे। सभी वर्करों की ये मंशा है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा, इन वर्करों का शानदार आगाज होगा। धन्यवाद। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग चलकर क्या कांग्रेस की सरकार बन पाएगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी एक ही मंच पर नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, करनाल के नेशनल हाईवे पर होटल विवान के पास इस समय मौजूद है। यहाँ से प्रदर्शन करते हुए पैदल पैदल पहुंचेंगे तमाम कांग्रेसी नेता। करनाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। करनाल के बलड़ी बाईपास पुल के नीचे जयपाल मान भी अपने हजारों समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद है। रणदीप सिंह सुरजेवाला अब आप देख सकते हैं मंच पर पहुंचे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मंच पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जी, सुरेश गुप्ता जी, भाई रामकिशन जी, हमारे हैवी वेट और जाबाज विधायक गोगी साहब एक बार और खड़े होकर प्रणाम करते भाई गोगी जी, हमारे साथी विधायक प्रदीप चौधरी जी, हमारी लगातार रख रहा फोटो खींचने का, अब बहन भी है और एक रिश्ते में भाभी भी हैं, दोनों चीजें तो छोटी बहन भी हैं, शैली चौधरी जी विधायक, मंच पर विराजमान हमारी विधायक साथी आदरणीय रेणु बाला जी, मंच पर विराजमान अनेकों मेरे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक गण।